अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सर ये बात सुनने को मिलती है कि जी ये मौलवियों ने पाबंदियाँ ही ज़्यादा कर दी हैं, दीन इस्लाम तो आसान है, दीन इस्लाम के अंदर इतनी पाबंदियाँ नहीं हैं, दीन इस्लाम ऐसा है, दीन इस्लाम वैसा है, और फिर उसकी आड़ के अंदर हर बुराई को सपोर्ट किया जाता है कि ला इकराह फिर दीन, दीन के अंदर कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और कहा जाए कि जयलैंड जैसी मूवीज़ को बंद किया जाए, उनको बैन किया जाए, तो कहते हैं कि जी ये मौलवी हैं, क्या आपका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है? मैं पूछना चाहता हूँ, मैं सवाल करना चाहता हूँ, इस मूवी के अंदर एक ख्वाजा सरा के साथ या जो ट्रांसजेंडर हैं उसके साथ, जो कि औरत नहीं है, उसके साथ एक शादीशुदा मर्द की शादी कराने की कहानी है, और उसके अंदर उसके बाकी जो खानदान उसकी मुखालफत करता है उनको एक विलन के तौर पर पेश किया जाता है, और उसके ऊपर हमारा खून नहीं खौलता। अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहते हैं कि इन्नल्लज़ीन, कि जो लोग ये पसंद करते हैं कि अहले ईमान में बेहयाई और फहाशी आम कर दें, तो अल्लाह फरमाते हैं कि उनके लिए दुनिया में भी दर्दनाक अजाब है और आखिरत में भी दर्दनाक अजाब है, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। और यहाँ पर कौमे लूत के फेल की बात की जा रही है, यहाँ पर उसको सपोर्ट किया जा रहा है। अल्लाह की कसम है, मेरे सामने अल्लाह का कुरान है, अल्लाह फरमाते हैं वह लूत ही फरमाया, और लूत को याद करो जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम बेहयाई के काम क्यों करते हो और तुम देखते हो, यानी तुम्हें पता है कि बेहयाई के काम है और तुम उसके बावजूद करते हो। आइन्नकुम लतातूनर रिजाल शहवतम मिन दूनिन निसा, क्या तुम औरतों को छोड़ के मर्दों के तरफ जो है शहवत तलाश करते हो? बल अंतुम कौमुन तजहलून, बल्कि तुम हो ही एक जाहिल कौम। और ये लोग आप लूत अलैहिस्सलाम की कौम, जिनको अल्लाह ताला ने अजाब दिया उस कौम को, जिसका तज़किरा अल्लाह ताला ने सूरतुल हूद में किया है, फरमाया फलम्मा जा अमरुना, जब हमारा अमर आ गया, जाल्ला अलैहा साफिलहा व अमतरना अलैहा हिजारतम मिन सिज्जील, फरमाया तो जब हमारा हुक्म आया हमने उस बस्ती को उलट कर नीचे ऊपर कर दिया और उन पर पत्थर की तह बतह कंकरियां बरसाई, और फरमाया मिन सिज्जील मंजूद मुसव्वमतन मुसव्वमतन इंद रब्बिका वमा हिया मिन अज़्ज़ालिमीन बिबईद। और अल्लाह ताला फरमाते हैं जब जिन पर तुम्हारे परवरदिगार के हाथ से निशान किए हुए थे उन पत्थरों के ऊपर, और वो बस्ती उन जालिमों से कुछ दूर नहीं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं यहाँ पर कि उस कौम को अल्लाह ताला ने उनके ऊपर पत्थरों की बारिश की। इनका हाल क्या था कि जब लूत अलैहिस्सलाम ने इनको समझाने की कोशिश की तो वो क्या कहते थे? उसको जस्टिफाई नहीं करते थे अपनी बुराई को, वो इस बुराई को अच्छा नहीं समझते थे। यहाँ जस्टिफाई किया जा रहा है, वो क्या कहते हैं? फमा काना जवाब कौमिही इल्ला अन कालू अखरिजू आल लूत मिन करियतकुम। उनके पास अल्लाह कहते हैं और कोई जवाब नहीं था सिवाय इसके कि वो कहते थे कि लूत को अपने बस्ती से निकाल दो। इन्नहुम उनासुन यततहरून, फरमाया कि ये लोग ज्यादा पाक बनना चाहते हैं, नेक बनना चाहते हैं, इनको अपनी बस्ती से निकाल दो। वो अपने इस गुनाह को, इस तबाही को, इसको वो डिफेंड नहीं करते थे, इस फाशी और बेहयाई और जहालत को। और अल्लाह फरमाते हैं वअमतरना अलैहिम मतरा, फरमाया हमने मतरा उनके ऊपर हमने बारिश बरसाई जो पत्थरों की बारिश थी। फसा मतरुल मुनजरीन, और अल्लाह फरमाते हैं कि उनके ऊपर वो बहुत बुरी बारिश थी। और आप सूरतुल अनकबूत के अंदर देखें कि ये कौम का जो तरीका था, जब लूत अलैहिस्सलाम ने उनको कहा, फरमाया वलूत इज़ क़ाल लिक़ौमिही इन्नकुम लतअतूनल फाहिशा, और लूत को याद करो जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम अजब पे आई के मुर्तकिब होते हो, मा सबक़कुम बिहा मिन अहदिन मिन अलआलमीन, कि तुमसे पहले ऐसी बुराई किसी ने नहीं की थी, ऐसी फाहिशी किसी ने नहीं फैलाई थी। आ इन्नकुम लतातून रिजाल व तक्तून सबील,
क्या तुम लज्जत के इरादे से लौंडों की तरह मायल होते हो और वतातून फी नादिया कुमुल मुनकर कि तुम मुसाफिरों की राहजनी करते हो। फमा काना जवाब कौमिही तो उनकी कौम के पास कोई जवाब नहीं था इल्ला अन कालू एतना बे अज़ाबिल्लाह इन कुंतुम मिनस सादिकीन के इन कुंतुम मिनस सादिकीन वो कहते थे कि और उनके पास कोई जवाब नहीं था सिर्फ ये कहते थे कि जिस अजाब का तुम कहते हो वो हमारे ऊपर ला कर दिखाओ। सर वो अजाब आएगा अल्लाह की तरफ से अगर इस कौम ने इस मीडिया के ने ये जहालत खत्म ना की और जो लानत का करदार ये पेश कर रही है मीडिया जिस तरह के आपके ड्रामे हैं आपके जो मूवीज के अंदर और जिस तरह से आपने टिकटॉक के ऊपर मुसलमानों की बच्चियों को नचा रखा है ये हमारे ईमान के लिए भी सवाल निशान है कि दयूस है वो बंदा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है फरमाया दयूस बंदा कभी जन्नत में नहीं जाएगा। दयूस बेगैरत आदमी को कहा जाता है जिसके पास गैरत ना हो और जिसकी बहन बेटियां टिकटॉक पर नाच रही हैं वो बेगैरत और दयूस लोग हैं। और इस्लाम के अंदर ये नहीं है कि इस्लाम का एक हिस्सा जो है वो आप पकड़ लें युमिनून बिबाद व यकफुरून बिबाद कुछ को का तो आप इनकार करें और कुछ को मान लें। अल्लाह का कुरान वाज़ेह फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा ऐ मुसलमानों इस्लाम के अंदर पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। अगर आप बुरा भला कहना चाहते हैं सर कहें मैं भी आपके साथ हूं लेकिन खुद अच्छा बनकर कहें। इस्लाम को जो है मौलवियों के आड़ में आप ये नहीं कह सकते कि इस्लाम के अंदर आप उन बुराइयों की इजाजत दे बैठे जिनको इस्लाम ने सबसे बड़ी बुराइयां बताया है। ला तत्तबिउ खुतवात शैतान शैतान के रास्ते में मत चलना अल्लाह कह रहे हैं। तो यहाँ पर तो जो है हम मुसलमानों ने अपना सारा इकदार खो दिया। अलमा इकबाल की मुझे बात याद आती है कि वजा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। हमने सारी रविश उनकी अख्तियार कर ली है सारी बेहयाई और फाशी कोई पर्दे के ऊपर बात करे उसको कहते हैं जी ये कंजर्वेटिव माइंड मौलवी है ये नैरो माइंडेड लोग हैं। सर फिर आप इस्लाम से दस्तबरदार हो जाएं। इस्लाम मोम नहीं है जिसे आप जिस तरह से चाहें आप मोड़ दें। अल्लाह ताला के हुदूद हैं उन हुदूदों का कोई पामाल नहीं कर सकता। अल्लाह ताला के वाज़े अहकाम आते हैं हम सब के लिए कि जो कोई फाशी फैलाएगा मैं तो कहता हूं कि अगर हुकूमत इसके ऊपर कोई एक्शन ना ले तो अवाम को एहतजाज करना चाहिए जो उनके दिल में आता है वो करें जो वो कर सकते हैं इनके खिलाफ वो एक्शन लेना चाहिए। इन सैनमों के खिलाफ जो हमारे जो सारा दिन घर के अंदर इश्क और मोहब्बत के ये जो झूठे मतलब के जिना को आम कर रहे हैं ये लोग इसके ऊपर जो है वो सारे ड्रामे हैं सारे फिल्में इसके ऊपर बन रही हैं और आके मीडिया पर बैठ जाते हैं जो है बड़े पाकबाज बनकर और बड़े हीरो बनकर और उनकी लोग कदर करते हैं। लानत भेजना चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर। अगर ये कलमा गो ना होते तो इनका ऊपर लानत भेजना जायज था। लेकिन मैं यहाँ पर जज्बात की रोशनी में मैं इल्म को जो है वो पसे पुष्ट नहीं डाल सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजने से मना किया मुसलमान के ऊपर। लेकिन ऐसे किरदार जो दुनिया के अंदर फहाशी फैला रहे हैं हमारे पूरे माशरे को तबाह बर्बाद कर दिया इन लोगों ने और हम समझ रहे हैं कि जी फलानी फिल्म रिलीज होनी चाहिए फलाने के ऊपर बैन नहीं होना चाहिए। अगर हम अल्लाह से डरते हैं और अल्लाह का तकवा अल्लाह का डर हमारे दिलों में है और हम चाहते हैं कि अल्लाह का अजाब हमारी कौम के ऊपर ना आए तो अल्लाह के लिए इस फहाशी और बेहयाई को बंद करें और खुद भी हर किस्म की फहाशी और बेहयाई से दूर रहें। अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे।